दोस्तों दुनिया में सबसे बड़ा कारोबार तेल का है, जबकि दूसरे नंबर पर असले की फरोख और तीसरे नंबर पर ड्रग्स का कारोबार आता है। ये तीन बड़े कारोबार दुनिया की मईशत को ना सिर्फ इस वक्त कंट्रोल कर रहे हैं, बल्कि इन कारोबार को कंट्रोल करने वाली ताकत ही दरअसल दुनिया की मालिको मुख्तार समझी जाती है। और वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि फिलहाल अमेरिका ही दुनिया की सबसे बड़ी वाहद सुपर पावर है। अमेरिका की कुल आमदन का 50% असले की फरोख से हासिल होता है, और यही बात है कि दिफाई माहरीन जंगों को अमेरिका के मुफाद में गर्दानते हैं। दोस्तों बहुत से लोग जानते होंगे कि दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा कारोबार ड्रग्स का कारोबार है। अमेरिकन CIA दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है। इस एजेंसी के ऑपरेशंस दुनिया भर में जारी रहते हैं, जिन पर बेपनाह अखराजात आते हैं। ये अखराजात इस बजट से कई गुना ज्यादा होते हैं जो इसके लिए मंजूर किया जाता है। अपने बजट से जायद अखराजात को पूरा करने के लिए CIA अपने 90% अखराजात ड्रग्स के कारोबार से पूरा करती है। दोस्तों बजट में मंजूर होने वाले पैसे का हिसाब रखा जाता है, जबकि ड्रग्स के कारोबार से हासिल होने वाली रकम बेतरीको कत्ल और गारत और मुख्तलिफ खौफनाक मंसूबों पर लगाई जाती है। दुनिया में दो ऐसे खित्ते हैं जहां सबसे ज्यादा ड्रग्स पैदा होती हैं। इनमें चीन के करीब म्यांमार और थाईलैंड का इलाका है, जिसे ड्रग्स के कारोबार से तल्लुक रखने वाले गोल्डन ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। जबकि दूसरा खित्ता जो दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम पैदा करता है और जिसे आजकल गोल्डन क्रीसेंट यानी सुनहरी हलाल कहा जाता है, ये अफगानिस्तान का इलाका है, जहां दुनिया की तकरीबन 90% से ज्यादा अफीम और हीरोइन पैदा की जाती है। अफगानिस्तान में अफीम और हीरोइन जिन इलाकों में बन रही है, इन पर अमेरिकन का कंट्रोल किसी से ढका छुपा नहीं है। दोस्तों इन इलाकों में अमेरिकी आर्मी के लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हम यहाँ अफीम की काश्त को फरोग और इसे महफूज बनाने के लिए आए हैं। सन 2000 में अमारत इस्लामिया अफगानिस्तान के सरबराह मुल्ला मोहम्मद उमर ने अफीम की काश्त को गैर इस्लामी करार देते हुए इसकी काश्त पर पाबंदी आयद कर दी थी, जिसके बाद पहली बार दुनिया में अफीम और हीरोइन की शदीद किल्लत पैदा हो गई थी। अफगानिस्तान पर कंट्रोल के बाद अमेरिकी CIA ने एक बार फिर यहां अफीम की काश्त को फरोग दिया है, और यही नहीं बल्कि दिवालिया होते अमेरिकी बैंकों को भी इसी रकम से दोबारा सहारा दिया गया है। दोस्तों कहा जाता है कि CIA ने कुछ लोगों को इस काम के लिए अपना फ्रंटमैन बना रखा है। हामिद करजई के भाई वली करजई इनमें से एक हैं, जिनके बारे में अंदाजा है कि अगर गैर कानूनी दौलत की कोई रैंकिंग हो तो शायद वो इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन चुके हैं। अमेरिका के अफगानिस्तान पर हमले की बहुत सी वजूहात में से एक बड़ी वजह हीरोइन के इस कारोबार का कंट्रोल दोबारा हासिल करना था, जिस पर CIA चलती है। हैरानकुन बात यह है कि इस हीरोइन की सबसे ज्यादा खपत यूरोप और अमेरिका में ही होती है, क्योंकि CIA को कंट्रोल करने वाले अमेरिकन ईसाई नहीं हैं, बल्कि वो यहूदी हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और शान टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग शान टीवी।